जनपद रामपुर में सांसद आजम खान को मिली राहत। दो मुकदमों में जमानत, भैंस बकरी चोरी और लूट और घरों पर बुलडोजर चलवाने जैसे आरोपों में दर्ज यतीम खाने के मुकदमों में आजम खान को जमानत मिल गई है। ऐसे दो मुकदमों में आजम खान को जमानत मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को मिली जमानत। अब्दुल्ला आजम के पैन कार्ड और पासपोर्ट के मामले में सुनवाई कल होगी। कल इन दिनों मामलों में जमानत पर बहस होना है। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के मामले में सीतापुर जेल में सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला बंद हैं। आजम खान को जिन मामलों में ज़मानत मिली है वो यतीम खाने से संबंधित शहर कोतवाली के आरोप हैं। आरोप था कि सपा शासनकाल में पुलिस और प्रशासन के यतीम खाना बस्ती के मकानों पर बुलडोज़र चलवाया था और उनका सामान लूट ले गए थे। सत्ता परिवर्तन के बाद इन मकानों में रहने वाले दर्जन भर लोगों ने सांसद आजम समेत पुलिस अधिकारियों और सपाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें सांसद पर भैंस चोरी, बकरी चोरी आदि के भी आरोप थे। अब इन्हीं मुकदमों में से दो मुकदमों में आजम खान को आज जमानत मिली है।